प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट एंड प्रेस द बेल बटन। देखिए, मैं समझता हूँ इसमें कोई दो राय की बात नहीं। जिस हिसाब से विद्यार्थियों के साथ, बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रही है वो बहुत ही नाजायज और बहुत गलत है। बार बार जब बच्चा तैयारी करके आता है, माँ बाप सब कुछ व्यवस्था करता है, और उसके बाद में जब उसको बार बार पेपर लीक का मामला आता है, तो मैं समझता हूँ इससे बुरी उनके साथ जो बीतती है उससे बुरा नहीं हो सकता। तो मैं समझते इस बात की आई थी बात, हम इसे वहाँ भी उठाएंगे और इसे बात भी करेंगे, ये गलत है। देखिए, मैं समझता हूँ जो सबके हमारे जो यही मुद्दा आता है, भाई टोंक की रेल का कहाँ गया, रेल का मुद्दा बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की गवर्नमेंट जब सेंटर में थी उसी टाइम ये इन्होंने बिल पास किया हुआ था कि 50% का शेयर स्टेट गवर्नमेंट देगी, 50% का केंद्र देगा। मैं समझता हूँ 2016-17 के बजट में, ये 15-16 में ये टोंक रेल मंजूर हुई थी और 10 करोड़ रुपये सेंशन भी हो गया था। आज हम देखते हैं कि सारी सर्वे भी हो गई, सब अलाइनमेंट भी हो गया, लेकिन 50% का जो बजट है वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे पा रही। और इससे बड़ी बात मैं और कहूं कि अब की बार के घोषणा पत्र में, अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी कांग्रेस ने रखा था, लेकिन उसके बाद भी स्टेट गवर्नमेंट पैसा नहीं दे पा रही, उसकी वजह से आज भी लटका हुआ है। मैं समझता हूं अगर स्टेट गवर्नमेंट 500 करोड़ रुपए दे तो मोदी जी की तरफ से पैसे कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत पैसा मंजूर हो। मैंने बता दिया जिस हिसाब से 40,000 करोड़ का बजट है, माननीय प्रधानमंत्री ने नया जल शक्ति मंत्रालय बना दिया और उसके लिए बजट का आवंटन है, कहीं कोई दोराय की बात नहीं है। मंत्री भी हमारे जोधपुर के सांसद हैं, माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत वो हैं। तो मैं समझता हूँ इसमें बहुत कुछ आगे बढ़ रहे हैं हम, और इसमें बहुत जल्दी राष्ट्रीय योजना, अभी मैंने बताया जैसे कई नदियों को जोड़ने का काम शुरू हुआ है तो राष्ट्रीय परियोजना में आता है। देखिए, मैं समझता हूँ जिस हिसाब से 3 साल कोरोना के बीते हैं उसके बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जिस हिसाब का बजट पेश किया है, मैं समझता हूँ किसी प्रकार का भी देश के अंदर में किसी नागरिक पर कोई बोझ नहीं आया और किसी प्रकार का भी कोई ऐसा नहीं लगा कि भाई किसी प्रकार का टैक्स बढ़ा हो या किसी के टैक्स में दिक्कत आई हो। मैं समझता हूँ हर उसमें बजट में कुछ ना कुछ हमें दिया है। रक्षा बजट की बात करूँ तो रक्षा में बहुत कुछ बहुत दिया है। हम कहते हैं जिस हिसाब से देश के अंदर में आत्मनिर्भरता बढ़ी है उसी के तहत में आज हम ये कहते हैं कि मेक इन इंडिया के नाम पर करीब 85% हर चीज़ें आज देश के अंदर बनने लगी हैं। किसान के लिए मैं कर रहा हूँ तो किसान के लिए करीब मैं समझता हूँ हर चीज़ आज MSP के रेट की बात करूँ, अगर सरसों का रेट कहाँ 2850 रुपये था, आज 5450 रुपये रेट हो गया, जो 2854 हो गया, और उसके बाद में 8000 रुपये तक सरसों बिक गई। आज हम ये कह सकते हैं कि प्रदेश के सर्वे लिए देश में 1,00,000 करोड़ का बजट का आवंटन किया गया है कि माननीय प्रधानमंत्री कहा है कोई भी स्टेट को जहाँ भी उसे जरूरत पड़ेगी तो उसको निःशुल्क उस पर 1,00,000 करोड़ का बजट में से हिस्सा दिया जा सकता है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है ताकि स्टेट कहीं भी काम रो नहीं पाए, हर काम को चालू रखे। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो देश के लिए बहुत अच्छे उसमें दिए। मैं एक बार आपके माध्यम से, तो इससे बड़ा माध्यम कोई होगा नहीं, मैं आपके माध्यम से बात कहना चाहता हूँ, गहलोत घाट की पुलिया का काम पहले इन्होंने टेंडर लगा दिए, मेरी खुद SC जो बैरवा साहब थे उससे मेरी बात हुई, उसके बाद टेंडर खुल गया लेकिन बजट का कोई प्रावधान नहीं था। मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ कि माननीय गडकरी जी के पास मैं खुद गया, एक महीने 3-3 बार जाके, और गडकरी जी कह के मैंने कहा ऐसे बात है, ये तो जान फंस गई इस बात पर है, तब वो 135 करोड़ सेंशन हुआ। आप खूब रिकॉर्ड करके जहां मर्जी ले जाकर बता दो, मैं खुद गडकरी जी के पास जाके इसे करा के लाया हूँ। और बताओ मैं क्या कहूँ, चाहे पिछली बार भी हमने किया था तो 105 करोड़ रुपये करीब ये पैसा खर्च हुआ था और एक गरीब आदमी तक ये पैसा जाता है। मैं आज भी इस बात के लिए आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अब की बार हमने खूब प्रयास कर लिए, उसके बावजूद भी ये नरेगा का पैसा है, माननीय प्रधानमंत्री का पैसा है, पैसा है, पैसे को कमी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रशासन कहीं ना कहीं साथ नहीं दे पा रहा, उससे हम खुद भी दुखी हैं। इसमें कोई दोहराई की बात नहीं कि अगर प्रशासन साथ दे तो मैंने हमने ये भी कह दिया जो आदमी सामने है, SC है, गरीब आदमी, उसके पास 2 बीघे ज़मीन है, 1 बीघे ज़मीन है, जो BPL है, उन सबको काम दिया जाना चाहिए, लेकिन प्रशासन पर अधिकारी पूरे नहीं हो पा रहे सरकार के। प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स।